चीन में कोरोना वायरस से अब तक 803 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 37,000 नए मामले सामने आ चुके हैं। चीन में उच्च स्तर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर काफी हैरान करने वाला है। जानकारों का मानना है कि कोरोना को रोकने में विफल रहे चीन में पहली दफा जनता की नजरों में उनके सरकारी तंत्र की पोल खुलकर सामने आ गई है, जिसे बड़े स्तर पर सफलतापूर्वक कार्य करने में दक्ष माना जाता था। चीन के राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने अपने कार्यकाल में नौकरशाहों और टेक्नोक्रेट से ज्यादा पार्टी काडर को तवज्जो दी है। और वुहान में कोरोना वायरस फैल रहा था तब वहां के मेयर ने सरकार पर आरोप लगाया था कि रोग नियंत्रक अधिकारियों ने नौकरशाही पर जिम्मेदारी डाल दी। सरकार में बैठे नेताओं ने तो जनता को ही इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। इसके चलते पार्टी काडर नौकरशाही पर हावी हो गया है। नौकरशाह ऐसा कोई भी निर्णय लेने से कतराते हैं जिससे सरकार की आलोचना हो रही है। लगातार चीन में कोरोना वायरस का कहर जारी है। 37,000 नए मामले यहां पर सामने आए हैं। 803 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है।